चलो स्टार्ट करते हैं। मिनिमम एक्सेस वेलोसिटी क्या होता है स्पेस में? अर्थ के रिकर्स में 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। 11.2 किलोमीटर या फिर 6.96, 26 का होल स्क्वायर, 6.96 माइल्स पर सेकेंड। इसके वेलोसिटी क्या होता है जिससे निकलने से वो स्पेस से बाहर निकल जाए, ठीक है, इसके वेलोसिटी इसको बोलते हैं, ठीक है। अब ये देखो इंस्ट्रूमेंट यूज डेप्रोजन, सबको पता है सोनार यूज़ करते हैं, टंगस्टिन, दो चीज़ होती है, टंगस्टिन तो बल्ब में यूज़ करते हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, और एक होता है निक्रोम, निक्रोम का यूज़ करते हैं, आयरन में यूज़ करते हैं, ठीक है, हीटिंग के लिए टंगस्टन उसमें, और टंगस्टन में क्या होता है, टंगस्टन बल्ब में और निक्रोम उसमें आयरन में, ठीक है, प्रेस में जिसको बोलते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप यूनिट है, बोले कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस क्योंकि आर पर हो जाएगा, शॉर्ट शॉर्ट इसलिए ताकि वो इन बड़ा इमेज, बड़ा इमेज के लिए क्या होता है शॉर्ट फोकस रखेगा, ठीक है, ताकि उससे बाहर बने, ठीक है, उससे बाहर बने, ठीक है, शॉर्ट फोकस यूज़ करेंगे डायग्राम में, फोकस से ज़्यादा शॉर्ट फोकस से कॉन्केव, ठीक है, कॉन्वेक्स क्योंकि उसके आर पर देख रहे हैं, और शॉर्ट इसलिए ताकि उसके उस साइड बने, ठीक है। यदि फॉलोइंग है हाइएस्ट हाइएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू फैट का होता है, ठीक है, इसलिए फैट हटाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सख्त एक्सरसाइज करें कोई कहीं भी फैल के एक्सरसाइज भी खर्च होता है, कौन सा हटाने में एक्सरसाइज ज़्यादा करना, तो फैट को हटाने में ज़्यादा एक्सरसाइज करता है, इसलिए इसका फैट का ज़्यादा होगा, ठीक है। जैसे देख लो इसका 9 कैलोरी और उसका 6 कैलोरी है, ठीक है, इथेनॉल का 7 है और उसका 9 है, ठीक है। वीकेस्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल फोर्सेज, वीकेस्ट कौन सा होता है, ग्रेविटेशनल होगा, ठीक है। अब ये देखो टू स्टोन्स आर इक्वल, बी स्क्वायर बाई टू जी, बी स्क्वायर बाई टू जी में एम नहीं आता इसलिए बहुत सेम हाइट, कुछ रेड का सबसे कम होता है डेविएशन, इसलिए उसको यूज़ करते हैं टावर में, और वायलेट का सबसे ज़्यादा है, रेड का सबसे कम, दो वायलेट का सबसे ज़्यादा, कंजर्वेशन प्रिंसिपल क्या होता है, कंजर्वेशन मोमेंटम में यूज़ करेंगे, तो मॉडरेटर होता है और एक होता है मॉडरेटर होता है और एक कौन सा होता है, चलिए देखो मॉडरेटर मॉडरेटर और एक होता है हैबिटल रिड्यूस, हैबिटल को मॉडरेटर में यूज़ करते हैं, ठीक है, स्लो डाउन करते हैं, मॉडरेटर क्या होता है स्पीड कम करता है, अब कूलेंट का उसके बाद यूज़ करते हैं, मॉडरेटर स्पीड स्लो करता है, न्यूट्रॉन का स्पीड और कूलेंट ठंडा करता है, ठीक है, याद रहे। जैसे मॉडरेटर में क्या यूज़ करते हैं, हैवी वाटर यूज़ करते हैं, हैवी ताकि स्पीड कम हो, ठीक है। अब अगला देखो, अगला देखते हैं, अगला है एंगल, कितना 45 एंगल, 45 डिग्री होना चाहिए, ठीक है, एंगल ताकि 90 डिग्री बनेगा, ठीक है, टू थीटा यूज़ करते हैं इसलिए। वो जब द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी, हीग्रोमीटर, एनोमीटर एयर स्पीड के लिए, एनोमीटर एग्रेस्को के लिए, हीग्रोमीटर मॉइस्चर कंटेंट के लिए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बीम लाइट पास थ्रू कोलाइडर, कोलाइडर है तो स्कैटरिंग होगा, कोलाइडर स्कैटरिंग होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ मास एट 4 डिग्री, याद रहे 4 डिग्री पर वाटर की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा किस पर होती है 4 डिग्री पर, ठीक है, तो यही 4 डिग्री पर मैक्सिमम होगी। फाराड, फाराड कैपेसिटेंस की यूनिट होती है, ठीक है, इंडक्टेंस की क्या होती है, हेनरी, हेनरी इंडक्टेंस की, कैपेसिटेंस की फाराड, फाराड कैपेसिटेंस की, इंडक्टेंस की हेनरी, ठीक है। डेंसिटी ऑफ वाटर होता है कितना होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, कितना होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर, तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर को 1000 किलोग्राम पर मीटर, समझ ले। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है, कंपाउंड मतलब एक से ज़्यादा हो, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10^8, अडैप्टर का पावर ऑफ लेंस होता है। अब ये देखो इसको सब तुमने गलती इसलिए क्या, तुम्हें लग रहा है कि ओजोन लेयर डिप्लेशन और ग्रीन हाउस सेम होता है, नहीं, ग्रीन हाउस डिप्लेशन होता है कि जो सन अर्थ के एटमोसफेयर में जो रेज फंस जाती है, जो कि इंफ्रारेड होता है वो, और अल्ट्रा वायलेट को तो आने भी नहीं देती, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में अल्ट्रा वायलेट को आने ही नहीं देती ओजोन, ठीक है, तो ग्रीन हाउस होता है इंफ्रारेड की वजह से, और ओजोन लेयर डिप्लेशन होता है, ओजोन लेयर डिप्लेशन अल्ट्रा वायलेट रेज उधर से पास करेगा, ठीक है, ग्रीन हाउस इंफ्रारेड की वजह से, ठीक है। ह्यूगो मार्लोडी वेरिस, ये थ्योरी म्यूटेशन होता है, बायोलॉजी को आएगा नहीं, पर देख लो ग्रेग मार्टर म्यूटेशन के लिए, ग्रेग मार्टर और ये दोनों एक साथ एक ही काम किया था, ठीक है, ग्रेग मेंटल और ये मैरिड वेरिस, वेरिस ऐसे देख लो, वेरिएशन है ना, तो म्यूटेशन से होगा, ठीक है। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या उसके नीचे नहीं पॉसिबल नहीं होगा, अभी कैरेटिक नदी फॉर्मूला तुम्हें पता है, सुपर कंडक्टर क्या होता है, इसका मिनिमम रेजिस्टेंस होता है फ्लो, सुपर कंडक्टर में क्या होता है, सुपर कंडक्टर में अच्छा फ्लो होता है, ठीक है, बस इतना बताइए तो मेरे को, ठीक है। अब हुई जल्दी फॉर इंसोल्यूशन, इंसुलेशन, इंसुलेशन मतलब ये हो गया, इंसोल्यूशन मतलब क्या है कि इनकमिंग रेडिएशन के लिए इंसोल्यूशन होता है, और इंसुलेशन होता है हीट या फिर उसके लिए हीट या फिर उसके इलेक्ट्रिसिटी के लिए इंसुलेशन, ठीक है, यू और ओ का फर्क, ओ होता है रेडिएशन के लिए होता है, ठीक है। अभी देखो मैक्सिमम आयरन और दो चीज़ें, पहली चीज़ ओर के लिए Fe3O4, ठीक है, ओर के लिए Fe3O4 और रस्ट के लिए Fe2O3, ये हो गया रस्ट के लिए, ये हो गया ओर के लिए, ये दो चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 27 फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन मतलब क्या था कि मिल्क का कर्ड बना, उसको फर्मेंटेशन मुझे पता नहीं था, बट मिल्क का कर्ड बना फर्मेंटेशन होता है, ठीक है। पोलिमराइजेशन पोलिथीन बोलते थे, पोलिथिलीन होगा, ठीक है। पाश्चराइजेशन क्या था, 63 डिग्री पे तूने बोला, बट 62 है, याद रहे। हीट ऑफ मिल्क अबव अबव 62 डिग्री, 62 टेम्परेचर इंपॉर्टेंट। अमोनियल का है एलुमिनियम और अमोनियम, बट लास्ट में नाइट्रेट, ठीक है, नाइट्रेट याद रखना, ठीक है। नोबल गैस, नोबल गैस रेडियोथेरेपी, रेडोन का यूज़ करते हैं, इसलिए इसका नाम रेडियोथेरेपी बोलते हैं, ठीक है।
नोबल गैस कौन सा यूज़ करता है, रेडोन यूज़ तभी रेड्यूसर भी बोलते हैं ना। अब ग्लास देखो क्या होता है, फाइबर ग्लास, फाइबर ग्लास क्या होता है, ये हम मैट्रिक्स में यूज़ करते हैं ठीक है, रिनफोर्स रिनफोर्समेंट के लिए यूज़ करते हैं। पायरेक्स क्या होता है, जो टेस्ट ट्यूब में पड़ी होती है उसको बोलते हैं पायरेक्स ग्लास, सबसे इसके आर पार देखते हैं। क्वार्ट्ज क्या होता है, जो घड़ी में यूज़ करता है, ये ग्लाइकोल, ग्लाइकोल क्या था कि तूने बोला था एबिसन, एयरलिफ्ट में होता है कि ऊपर जाके पेट्रोल फ्रीज ना हो जाए, ऊपर जाके क्या होगा, पेट्रोल फ्रीज ना, ऊपर आके टेम्परेचर कम होगा ना तो वहाँ पेट्रोल फ्रीज ना, इसलिए क्या यूज़ करते हैं, ग्लाइकोल यूज़ करते हैं ठीक है, एंटी फ्रीज होता है ठीक है, इथिलीन ग्लाइकोल इसको बोलते हैं ठीक है। देख लो स्टेनलेस स्टील में ये इंपॉर्टेंट आ भी सकता है, स्टेनलेस स्टील का होता है आयरन कार्बन क्रोमियम, निकल नहीं होता, याद है निकल नहीं होता, आयरन स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम आयरन और कार्बन ये तीन चीज़ होती है ठीक है। नॉन स्टिक किचन वेयर, इसमें टेफ्लोन यूज़ करते हैं ठीक है, नॉन स्टिक किचन वेयर में जो होता है ना नॉन स्टिकी उसमें टेफ्लोन यूज़ करते हैं ठीक है। पीवीसी कहाँ यूज़ करता है, पाइप में यूज़ करता है पीवीसी ठीक है। विनेजर, विनेजर क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है, और जो एंड काटते हो क्या होता है, फॉर्मिक एसिड, एंड काटते उसको फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, विनेजर एसिटिक एसिड में होता है और ठीक है एसिटिक एसिड ठीक है। अब द एसिड व्हिच इज सेक्रेटेड बाय द ग्लैंड इन द स्टोमिक वॉल, इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक सोलर सेल्स बनाने में सिलिकॉन का यूज़ करते हैं, सबको पता है भोपाल गैस में होता है, आइसोसैनेट और फायर फाइटिंग के लिए क्या होता है, अब मैंने बोला था कि ए वाले याद रखना ठीक है। अबेल्स प्रोसेस, एस्बेस्टस या फिर अमोनियम सल्फेट ठीक है, फायर फाइटिंग के लिए ठीक है, अबेल्स प्रोसेस या फिर एस्बेस्टस ए वाले होंगे ठीक है। नेचुरल मेमेलियन सेल, इसको बोलते हैं इरिथ्रोसाइट, ये रटना पड़े कुछ नहीं है। ममेलियस साइड आर यूनिक अमंग द वर्टिब्रेट एज दे आर नॉन न्यूक्लियेटेड सेल इन देयर मैच्योरिटी, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता और बहुत बड़ा होता है ठीक है, नॉन न्यूक्लियस होता है बहुत बड़ा होता है पृथ्वी ठीक है। और पूरी प्रोसेस बाय विच मिल्क वर्ड कॉर्ड, इसको बोलते हैं फर्मेंटेशन बोलते हैं, मुझे पता नहीं था, देख लो मिल्क कॉर्ड बना बोलते हैं फर्मेंटेशन ठीक है। लाफिंग गैस करते हैं नाइट्रस, नाइट्रिक और नाइट्रस में क्या, नाइट्रस का ऑक्सीडेशन थोड़ा कम होता है, नाइट्रिक का हाइएस्ट होता है ठीक है। एच एन ओ थ्री ये हो गया नाइट्रिक एसिड और एच एन ओ टू ये हो गया नाइट्रस एसिड ठीक है। सिमिलरली एन ओ थ्री के माइनस एन ओ थ्री हो गया ये, एन ओ टू हो गया वो ये नाइट्रिक और एनओ हो गया तुम्हारा नाइट्रस ठीक है। और नाइट्रस कम होता है, इक ज़्यादा होता ठीक है, इक ज़्यादा। और अब ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, अब ये देखो टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर ठीक है। पहला क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, सेल या फिर ऑर्बिट को शो करता है, क्या होता है सेल या फिर ऑर्बिट को शो करता है ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक्चुअली एनर्जी को शो करेगा ठीक है, एन प्लस पी प्लस फर्स्ट और प्रिंसिपल और एजिमुथल दोनों को करता है ठीक है। अब सेकेंड कौन सा है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर या फिर एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर ठीक है। ये कहता है रिप्रेजेंट टाइप ऑफ सेल, टाइप ऑफ सेल कौन सा, एस है कि पी है डी, डी एफ ये करता है। पहला क्या था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो 1, 2, 3, 4 रिप्रेजेंट करते हैं और ये सेल और ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है ठीक है। सेकेंड कौन सा है, जो एंगुलर मोमेंटम शो करता है, ये टाइप ऑफ ऑर्बिट रिप्रेजेंट करता है ठीक है। ये क्या होगा, एस पी डी एफ जो होता है वो हो गया तुम्हारा वो सेकेंड ठीक है। तीसरा क्या है, थ्री पॉसिबल ओरिजिन पी एक्स पी वाई पी जेड ठीक है। मैग्नेटिक ये कौन सा था पहले, ये सब एंगुलर मोमेंटम था ठीक है। अब तीसरा कौन सा है, उसको अजीमुथली बोलते हैं। तीसरा क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको क्या होता है पी वन डिस्क्राइब द नंबर ऑफ यूज, और ये फाइनल थर्ड क्वांटम नंबर क्या था, ये था मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर था, ये क्या होता था पी एक्स पी वाई पी जेड, ये सब शो करते थे ठीक है, पी एक्स पी वाई पी जेड। फोर्थ क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर, या कि उसका स्पिन शो करेगा ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर थर्ड वाला करता था, और लास्ट वाला ये कौन सा शो करेगा, स्पिन शो करेगा ठीक है, पॉलिस प्लस वन माइनस टू होगा ठीक है। ठीक है, तो ओरिएंटेशन ऑफ ये ओरिएंटेशन किससे होगा, मैग्नेटिक से होगा ठीक है। हाँ, प्रिंसिपल से क्या था एनर्जी, मैग्नेटिक से पता हो, एजिमुथल से क्या होता है, एजिमुथल देख लो, एजिमुथल से तुमको होता था, एजिमुथल होता है एंगुलर, एंगुलर वो एंगुलर मैग्नेटिक ठीक है, इवन एंगुलर मोमेंटम, ये टाइप ऑफ ऑर्बिटल शो करता था ठीक है। अब ये क्या क्वेश्चन पूछता है, ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन किससे होगा, मैग्नेटिक ठीक है। फर्स्ट एनर्जी, सेकंड से टाइप ऑफ ऑर्बिटल, थर्ड से ओरिएंटेशन, फोर्थ से पता है स्पिन। नेम ऑफ अनरिएक्टिव गैस ठीक है, नाइट्रोजन, लेज के पैकेट पे नाइट्रोजन होता है ठीक है। कोको कोला में CO2 कोको कोला में होता है, नाइट्रोजन क्या होता है उसमें, लेज के पैकेट में होता है ठीक है। हाइड्रोजन कंपाउंड क्या, फूडान जिसमें होता है, फूडान को देखिए लो, फूडान ये रहा, फूडान, फूडान इस टाइप का होता है ठीक है, ऑक्सीजन होता है और ये मूव कर रहा होता है ठीक है, तो ये होगा फूडान ठीक है। अभी नेचुरल लवर, नेचुरल लवर आइसोप्रीन का काम है ठीक है, और इसके लिए क्या होता है, सल्फर डालते हैं इसको, कुछ बोलते हैं वल्कनाइजर बोलते हैं उसको, वल्कनाइजर ठीक है। थ्री फीटर सीमेंट, इसको मोटार बोलते हैं, कॉन्क्रीट नहीं बोलेंगे क्योंकि एग्रीगेट नहीं है ठीक है। 49 देखो ये हो गया, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मास नंबर, इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर ठीक है। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, मास नंबर मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस के अंदर है, ये मास नंबर और ये दोनों का डिफरेंस लेगा वो तुम्हारा न्यूट्रॉन हो गया ठीक है। ये हो गया हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर, अब ये देखो पेनिट्रेटिंग पावर मतलब प्रोपोर्शनल टू साइज, अल्फा का सबसे बड़ा साइज होता है, ये सबसे कम पेनिट्रेट करता है ठीक है। गामा रेज का पेनिट्रेशन मोस्ट पेनिट्रेटिंग होता है ठीक है, गामा रेज का सबसे ज्यादा पावर होता है ठीक है, पेनिट्रेटिंग पावर, बस खत्म।